हेलो हाय एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए। भाई और बहन के प्यार का अटूट बंधन सदा ही भी बना रहे। उम्मीदों की डोर न टूट नहीं पाए, फूलों की तरह प्यार छूटता रहे। हर बरस की तरह इस बार भी सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई बहन के प्रेम को समर्पित यह त्यौहार हर साल पूरे देश में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन जहां बहनें अपने भाई की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए उन्हें रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने के अलावा अपने भाई की आरती उतारते हुए माथे पर तिलक लगाती है, वहीं भाई भी इस दिन अपनी बहन को जीवन भर साथ देने और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इसके अलावा इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हिंदू पंचांग में हर साल सावन पूर्णिमा पर आने वाला भाई बहनों की प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन इस साल 2021 में रविवार अगस्त 22 को सावन पूर्णिमा तिथि में मनाया जाएगा। इस त्यौहार के दौरान जहाँ एक और बहनें भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती हैं, वही भाई भी अपनी बहनों को हमेशा रक्षा और साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन पूजा विधि। रक्षाबंधन त्यौहार के दौरान शुभ समय पर बहनें एक साथ थाली को लेकर उस पर रोली अक्षत चंदन के साथ दही राखी मिठाई और दीपक की का रख ले। इसके बाद पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करने के बाद भाई को पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर पीट कर यानी पूर्व या उत्तर तरफ मुंह कर बैठाएं। भाई के सिर पर कोई साफ कपड़ा जैसे रुमाल आदि रखने के बाद भाई अपने माथे पर सबसे पहले तिलक लगाते हुए रोली अक्षत और चंदन लगाएं, जिसके बाद राखी यानी रक्षा सूत्र बांधकर आरती करें। फिर भाई को मिठाई खिलाने के बाद उसकी लंबी आयु की मंगल कामना करती है। फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और भाई बहनों के पैर छूकर उन्हें उपहार भेंट करते हैं। ज्योतिष के अनुसार जानकारों के अनुसार इस दिन देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में बकरी चाल रहेंगे। वहीं राखी यानी रक्षाबंधन पर कुछ कार्यों को करने योग्य तो कुछ कार्यों को निषेध माना गया है। इसके तहत रक्षाबंधन के दिन व्यक्ति को स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए इसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। साथ ही क्रोध अहंकार मन मिटाव और विवाह जैसी स्थितियों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी तकलीफ हो। श्रावण मास की पूर्णिमा पर शरण कुमार की पूजा का भी विधान माना गया है। ऐसे में इस रक्षाबंधन पर्व पर शरण कुमार का पूजन करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस साल पूरे दिन भद्रा नहीं होने से शुभ समय में रक्षा सूत्र बांधने और बंधवाने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह 7:42 से 9:17 तक चर, सुबह 9:18 से 10:52 तक, सुबह 10:53 से दोपहर 12:27 तक है।